हे गाइस, आज हम लोग बहुत क्रिएटिव बनने की ट्राई कर रहे थे, सो लुक व्हाट वी मेड। मैंने सांता को बनाया, लेकिन मैंने सांता को कलर नहीं किया क्योंकि रेड स्केचपेन में इंक था ही नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया है रेड डालने को। और मैंने ये एलिफेंट बनाया है, आप देख सकते हो इंक के स्मजेस हैं क्योंकि मैंने पेन से बनाया और पेंसिल से बनाया किया था। देखो, इंक मेरे हाथ पर भी लग गई है। तो ये तो बात थी क्रिएटिविटी की। अब हम बात करेंगे आज के रिडल्स के बारे में। आज हम आपसे पूछेंगे 5 इंटरेस्टिंग हिंदी पहेलियाँ। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जितनी भी पहेलियाँ हैं उनके आंसर्स आपके घर में किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। और एक और चीज़, बिफोर वी प्रोसीड प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। तैयार हो जाइए पहली पहेली के लिए। पैर नहीं पर चलती रहती, दोनों हाथ अपना मुंह पोछती रहती। आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं आंसर करने के लिए। समय समाप्त हुआ। जवाब है क्लॉक, घड़ी, क्योंकि घड़ी के तो पैर होते ही नहीं है और उसके हाथ उसके मुंह पहुंचते रहते हैं। दूसरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, सबके घर पे रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की अकवाली करता हूँ, कौन हूँ मैं? आपके पास हैं 10 सेकंड आंसर करने के लिए। आंसर है आंसर आपको समझ नहीं आया? आंसर है ताला, क्योंकि वो हंसता नहीं है, वो खाता नहीं, वो पीता नहीं है, वो रोता नहीं है और घर की रखवाली करता है। अगली पहेली, एक फूल ऐसा जो सर पर सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाता, छाया में वो मुरझाए। 10 सेकंड मिल रहे हैं आपको आंसर करने के लिए। आप सोचोगे सनफ्लावर, पर सनफ्लावर तो घर पे होता नहीं है। आंसर है छाता, क्योंकि छाता धूप में खुलता है और वो छाया में बंद हो जाता है। और हम लोगों ने बारिश की बात इसलिए नहीं की क्योंकि फट से आंसर पता चल जाता। और अब अगली पहेली, बूझो भाई एक पहेली, जब काटो नई नवेली। 10 सेकंड मिल रहे हैं। उत्तर है पेंसिल, क्योंकि जब पेंसिल को शार्पन करते हैं तो एक तरह से पेंसिल को काटते हैं और उसमें से एक नया लेड निकलता है। और अब अंतिम पहेली, दो सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के। हम दोनों नहीं, नहीं सुनो, दो सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक अलग हो जाए दूसरा काम ना आए। आपके पास 10 सेकंड है आंसर करने को। आंसर है जूते, क्योंकि वो जोड़ी में आते हैं और अगर एक गुम हो जाएगा तो दूसरा भी यूजलेस हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।